यूपी के बुलंदशहर में प्रवासी मजदूरों से भरी मैक्स पिकअप वैन इलेक्ट्रिक पोल से टकराकर पलटी। दो मजदूरों की मौके पर दर्दनाक मौत, लगभग डेढ़ दर्जन मजदूर घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों मजदूरों के शव भी पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। गुजरात के सूरत से यूपी के बिजनौर जा रहे थे प्रवासी मजदूर। बुलंदशहर के दिल्ली बदायूं हाईवे के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खखुड्डा गाँव के पास हुआ हादसा। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद इमरान। कहाँ से आ रहे थे तुम लोग? सूरत से। कहाँ जा रहे थे? बिजनौर। कितने लोग थे तुम? 22 लोग थे। किस चीज से जा रहे थे? बिलोरो पिकअप से। क्या हुआ तुम्हारे साथ? खुद ही पलट गई वो गाड़ी। अपने आप ही पलट गई थी? ना भी पलट गई थी, फास्ट भी नहीं थी, और खुद ही पलट गई। पता नहीं जाने कितने लोगों को चोट आई है। जिसमें से ये सबके चोट आई है, कोई ऐसा नहीं है, सबके थोड़ी बहुत सबका आई है। कोई एक्सपायर तो नहीं हुआ? दो एक्सपायर होगा या तो हाथ। कौन कौन है वो, कौन लगते हैं तुम्हारे? मतलब हमारे बाजू के गांव के है, वहीं कुमिरदना का है। वहाँ का एक निजामू नाम है, एक लड़का का, एक का नाम का, दूसरे का मुझे मालूम नहीं है। दो तीन लड़के एक्सपायर हो गए, तीन हो दिखे हैं। देखे नहीं, जल्दी जल्दी में आ गए।